हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की परमानेंट जॉब के बारे में। पदों की संख्या 9,583 है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। सैलरी के साथ में जितने भी सरकारी अन्य भत्ते होते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। सैलरी 35,000, योग्यता केवल जो है इसमें 10th पास मांगी गई है। महिला, SC ST, PWD कोई भी फीस नहीं लग रही है। जनरल और OBC की मात्र 100 रुपीज़ फीस है। जल्दी ही आवेदन करना होगा क्योंकि 3 अगस्त जो है लास्ट डेट है। यहाँ पर जो है दो इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। लास्ट डेट पहले 31 जुलाई 2024 थी, अब जो है 3 अगस्त 2024 तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। साथ में पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि SSC की तरफ से है, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था पहले, तो अभी जो है कर सकते हैं। डेट आगे बढ़ चुकी है, दो नोटिस जारी किए गए हैं। एक तो जिसमें डेट आगे बढ़ा दी गई है, और दूसरा जो नोटिस है, पहले जो है 4,887 पद थे, अभी जो है बढ़ाकर कर दिए हैं 6,144। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4,887 से जो है पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 6,144 कर दी गई है। तो जल्द से जल्द जो है वो आवेदन करें। वीडियो पहले बनाया जा चुका है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, फटाफट जो है वो आप सुनिए। वैकेंसी हमने देख ली है और 27 जून से जो है वो आवेदन चल ही रहे थे। अभी 31 जुलाई लास्ट डेट थी, 3 अगस्त तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर 18 से लेकर 25 ईयर रखी गई है। MTS के पदों के लिए आयु सीमा में छूट जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको मिलेगी। 18 से 27 ईयर यहाँ पर हवलदार, CBIC और CBN के लिए रखी गई है। SC ST 5 साल की छूट है, OBC 3 साल की है, PWD 10 साल की है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 13 ईयर है इसमें OBC, SC ST 15 साल की है, ठीक है, PWD में। और इसमें महिला की जो है उम्र देखें, विडोज डिवोर्स वुमेन इनकी जो है 35 ईयर है, और इनमें जो SC ST की हैं उनकी 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख लेते हैं। केवल जो है यहाँ पर 10th पास मांगी गई है, तो हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 10th। आपने 10th की क्लियर किया हुआ है तो आप बिल्कुल आवेदन करें। हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है, एक तो पहले का वीडियो देखिएगा जिसमें और भी डिटेल में जानकारी दी गई थी। सबसे पहले जो है आप लोगों को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। SSC की तरफ से ये वैकेंसी है और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ जनरल OBC की है, दोबारा से आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें जो है परीक्षा होगी, परीक्षा में जो एग्जामिनेशन जो सेंटर बनाए गए हैं, तो सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गया, ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसके अंतर्गत जो है ये जगहों पर एग्ज़ाम होंगे। कर्नाटक, केरल में इन जगहों पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में आप देख लें, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप अपना जो है एग्जामिनेशन सेंटर वही रखिएगा जो कि आपके नज़दीक हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें मैथ्स आपकी पूछी जाएगी, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी इसमें, और जनरल अवेयरेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। सिलेबस जो है इसमें क्या रहेगा, तो सिलेबस भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो है हवलदार की जो वैकेंसी है उसमें वॉकिंग मेल 1600 मीटर इन 15 मिनट में और फीमेल 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, ठीक है। हाइट चेस्ट जो है मेल फीमेल दोनों का जो है आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, 81 पेजेस की PDF फाइल है, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपके पास आज का और कल का दिन है, तो जब नोटिफिकेशन आया था बिल्कुल आप लोगों को मैंने बताया था,
तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th पास कर ली है और 12th भी पास की है या ग्रेजुएट पास हैं, तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करने में कुछ नहीं है। सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो और एग्ज़ाम में सिलेबस रहता है वही बस इसमें पूछा जा रहा है, मैथ इंग्लिश, ठीक है, जनरल अवेयर्स इंग्लिश। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर आप लोगों को बिल्कुल नए दो नोटिस नज़र आएंगे, जिसमें एक तो डेट बढ़ने का है और दूसरा पदों की संख्या बढ़ने का है MTS में। तो कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई करिएगा। सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि SSC जो है 10th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए जो है बिल्कुल वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में जारी करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।